चंडीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता के नियम तो निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो वह सभी नियम ताक पर हैं। ऐसा ही सफाई व्यवस्था को लेकर एक मामला सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी में देखने को मिला है। आदर्श कॉलोनी के प्रधान अनोखे लाल ने बताया कि आदर्श कॉलोनी 1990 में आकर बसी थी। यहाँ करीब 2000 झुग्गियाँ हैं। सभी के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड हैं, लेकिन कुछ समय से कॉलोनी तो नर्क बनती जा रही है। यहाँ की सफाई व्यवस्था, रोड और शौचालय का बुरा हाल हो गया है। एरिया पार्षद से भी इस मामले को लेकर कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। जगह जगह कूड़े के ढेर, बारिश के समय कॉलोनी के अंदर पूरी तरह से पानी भर जाता है, मच्छर पनपते हैं, बीमारी का डर रहता है। घर में बहू बेटियां हैं, जब वह शौचालय के लिए जाती हैं तो शौचालय के दरवाजे नहीं हैं। हम लोग यहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं। जो भी पार्षद आता है वो अपने अपने वादे करके तो चला जाता है, उस टाइम वोटिंग करके तो ले लेते हैं और बहानेबाजी कर देते हैं जी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, अदरवाइज इस चीज़ के लिए कोई आगे आज तक आया नहीं सामने। हमें अनुभव आप दे देते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम करेंगे वो काम करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बावजूद भी कोई काम आज तक हुआ नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे की मतलब बहुत बहुत वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं साहब यहाँ पर, और कोई सहारा अच्छी ज़िंदगी जीने का यहाँ पर लगता नहीं है कि है। रात को जैसे कोई इमरजेंसी में बीमार हो जाए उस मरीज को हमें रोड तक लेके जाना पड़ता है, उठा के वहाँ एम्बुलेंस या किसी ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह का हमें सहारा लेना पड़ता है जी। और ये कूड़न की ये हालात है जी, यहाँ पर गंदगी है, डेंगू मच्छर प्राप्त हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इससे बच्चों को बीमार होते हैं, बड़ों को बीमार होते हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं कि कॉलोनी में इतने ज़्यादा बीमार कहीं हो ही नहीं सकते फैक्ट्रियों के जितने कॉलोनियों में। क्या मांग है आपकी, क्या करें? साहब हमारी मांग यही है, इस कॉलोनी का सुधार होना चाहिए, रास्ते सही होना चाहिए, प्लस जो टॉयलेट बने हुए हैं उनमें इतना मलबा गंदगी होती है, वहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वहाँ पर सारी ब्लॉकिंग पड़ी हुई है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी की और प्लस जो बिजली की तारें हैं वो बिजली की तारें जहाँ तहाँ पर नंगी हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, बच्चे भी मरे हैं, बकरी कुत्ते भी मरे हैं, पर आज तक इस कॉलोनी के मामले में कुछ नहीं हुआ, सारी तारें नंगी हुई हैं। उन तारों की हमारी रिक्वेस्ट है तारों को चेंज करवा दिया जाए, प्लस टॉयलेट सही करा दिए जाएं, प्लस ये रास्ते हमारे ठीक करा दिए जाएं। कौन सी कॉलोनी आप रहते हो, नाम बताओ कहाँ पर है? आदर्श कॉलोनी राम अनोखलाल प्रधान आदर्श कॉलोनी सेक्टर 54 चंडीगढ़ से जी। हमारी टॉयलेटों का ये हाल है, आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसे जंगल में जा नहीं सकते, जंगल में पाबंदी है। दो तीन टॉयलेट हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं और बनाने में एक अप्रूव ऐसा कर दिया गया है कि ये आदर्श कॉलोनी में टॉयलेटें बनी हुई हैं, प्लस उनकी ना सफाई है ना उनका कोई घेराव है, मलबा भरा हुआ है, बुरी तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं। हम लोग तुम्हारे की बहुत शर्मिंदा हो गए, औरतें बच्चे आते हैं बेचारे लैट्रिन टट्टी पेशाब को बैठते हैं, हमारा ये अनुरोध है कि ये टॉयलेटें सही करा दी जाएँ, प्रशासन पर यही गुराह करेंगे जी कि हमारी टॉयलेटें सही करा दें, रास्ते सही करा दें, प्लस हमारा बिजली का काम है वो सही करा दीजिए, सारा काम होना। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से रंजीत शमी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।